हेलो गाइस, वेलकम बैक टू TRS 330 फार्मूला। आज हम लोगों ने बहुत ही बड़ा रैली मॉर्निंग मिस कर दिया। उसका गलती क्या है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आज है 18 सितंबर 2024, बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी। लेकिन मैं अपने वीडियो में ये भी आपको सिखाता हूं कि अगर आप लोगों का कोई ट्रेड मिस हो जाए तो आप लोगों को कभी भी हड़बड़ा के कोई फोमो में एंट्री नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने मॉर्निंग का ट्रेड तो मिस किया, लेकिन एक सॉलिड ट्रेड जो हम लोगों का डेली का टारगेट होता है 100 रुपीज़ का, वो हम लोगों ने टॉप पे जाके पकड़ा। बीच में हम लोगों ने आज कहीं एंट्री नहीं लिया था गाइस। तो ये डिसिप्लिन आपको अपने अंदर लाना है। वीडियो को पूरा देखो, एनालिसिस को पूरा देखो, अपने अंदर का फोमो को आप भगाओ और अपने रूल बुक में आज एक नया रूल ऐड कर लो फिर से, जो कि प्री मार्केट एंड पोस्ट मार्केट में होता है। प्री मार्केट में आज मार्केट हम लोगों को गैप डाउन दिखाया, लेकिन जैसे ही मार्केट ओपन होता है मार्केट गैप अप ओपन होता है। तो इस वजह से, इस कंफ्यूजन की वजह से हम लोगों का क्या था, आज हम लोगों का पहला ट्रेड मिस हुआ। अब पूरा वीडियो देखो और एंड में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगती है तो। ऐसा मार्केट बहुत बार किया है कि वो दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है। यानी कि जब पीडीसी के, जब प्री मार्केट ओपन हुआ, इस चीज को नोट डाउन कर लो आज, ये नया चीज है सबके लिए। मार्केट पीडीसी के ओपन तो हुआ, प्री ओपन पीडीसी के नीचे, लेकिन जब ओरिजिनली में मार्केट ओपन होता है वो पीडीसी के ऊपर ओपन होता है, यानी कि गैप अप। और ऐसा देखा जाए गैप अप, तो गैप अप में तो ट्रेंड लग गया हम लोगों का। तो यानी कि गैप अप में जब ट्रेंड लगता है तो हम लोगों का मार्केट पीडीएस तक जाने जाना ट्रेंड में। इस चीज को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो कि आइंदा अगर मार्केट में कभी भी ऐसा होता है कि प्री ओपनिंग कुछ और दिखाता है, लेकिन जब ओरिजिनली में मार्केट ओपन होता है, ओरिजिनली में मार्केट ओपन होता है, तो फिर वो गैप अप है या गैप डाउन वो देखो। ओरिजिनली मार्केट क्या दिखा रहा है, गैप अप, और गैप अप में मार्केट क्या दिखा दिया, यहाँ पे ट्रेंड दिखा दिया, और निफ्टी में क्या दिखा दिया, निफ्टी में ट्रैप दिखा दिया। ओके, ये फाइनली यहाँ तक चला गया, पीडी एच तक चला गया, ट्रेंड में पीडीएच चला जाता है, ये गैप अप में ट्रेंड लग चुका है, ये ध्यान रखना। गैप अप में ट्रेंड, तो सबसे पहला टारगेट, सबसे फर्स्ट टारगेट फिर क्या हो जाता है, पीडीएच हो जाता है। ओके, ये पहला टारगेट भी हिट कर चुका है, और ट्रेंड में फिर मेन रेजिस्टेंस, हम लोगों का फिर मेन रेजिस्टेंस कौन होता है, पीडीएच आने के बाद तो हमको ट्रेड में एग्जिट कर ही देना चाहिए। लेकिन एक मेन रेजिस्टेंस मैंने क्या है, मेन रेजिस्टेंस सबसे पहला रेजिस्टेंस हम लोगों का 500 है, मतलब कि मार्केट 500 तक आसानी से जा सकता है। ओके, लेकिन हमको फिर सेफ एग्जिट क्या हो जाएगा, ये 400 के करीब करीब, ये पोजीशन, ये पोजीशन सेफ एग्जिट हो जाएगा फिर हम लोगों की। पहला एग्जिट यहीं पे, जहां पे मार्केट चल रहा है, ट्रेंड लगा हुआ है ना, तो फर्स्ट एग्जिट यहीं पे ठीक है। सेकंड एग्जिट क्या होगा, 400 के करीब करीब, क्योंकि 500 हम लोगों का पहला रेजिस्टेंस है। यहां तक मैं बार बार फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, प्री मार्केट में हम लोगों को गैप डाउन दिखा, लेकिन जब मार्केट ओरिजिनली जब ओपन होता है तो गैप अप ओपन होता है, गैप अप जब ओपन होता है तो ये ट्रेंड लगा देता है, और जब ट्रेंड लगा है तो मार्केट का पहला टारगेट तो हिट हो गया। दूसरा टारगेट मेन रेजिस्टेंस क्या है मेरा, 500 का। मार्केट पूरा देख रहा है कैसे फंस चुका है, पूरा मार्केट यहाँ पे फंसा फंसा हो गया। क्यों हो गया, सिर्फ डेटा की वजह से, ओआई डेटा की वजह से पूरा वहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट बस ट्रैप कर रहा है सबको, और टॉप पे कभी भी कॉल बाय नहीं करते। मैं बार बार बता रहा हूँ, भले मार्केट वहाँ से 200, 300, 400 पॉइंट ऊपर चला जाए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना टॉप पे है और पुट का क्लैरिटी वो दे भी नहीं रहा है फिलहाल, तो इसे इंतजार करो सही ट्रेड का। कुछ जरूरी नहीं है कि ट्रेड पंच करना ही जरूरी है, आज कुछ ना कुछ मैं लेके जाऊंगा, तो लेके तो नहीं जाओगे, दे के पक्का चले जाओगे, इसलिए सबर करो ट्रेड के लिए। ओके ना, मैं भी अभी तक सबर करके रखा हूँ ट्रेड के लिए, क्योंकि मेरा पहला ट्रेड मिस हो गया। जब मिस हो गया तो मैं फोमो में आ जाता हूँ, मैं क्या, सब लोग फोमो में आ जाते हैं, वही बस फोमो को ना, अपने आप को फोमो को संभाल के रखो भाई, चला गया आज ट्रेड चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज को आपको हमेशा बरकरार रखना है, अपना डिसिप्लिन को बरकरार रखो, बहुत बड़ी बात है। देखो ऐसे में कितना जल्दी ऊपर आ गया, मैंने पहला टारगेट क्या बताया था, ऐसे में बोला था ना, और ये तो ऐसे में ही ऊपर आ जा रहा है, तो क्या फायदा, प्रीमियम देखो का दे भी नहीं रहा है, इससे बढ़िया क्या है, ट्रेड ना लो ना, मार्केट ऊपर पूरा खींचेगा, ये सिक्योरिटी दे रहा है वो है कि मार्केट नीचे है फिलहाल, ये पूरा ऊपर खींचेगा ही खींचेगा। सीधा मार्केट 600, ओके देख रहे हो, सही मार्केट अपना दूसरा रेजिस्टेंस से सही से गिर गया। पहला टारगेट क्या, ये एस एम ए, ओके टारगेट ये हमारा एस एम ए होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं, फर्स्ट टारगेट। लेकिन यहाँ पे इसका रिजेक्शन ले रहा है, तो जैसा बोला सेम वैसा का वैसा हुआ, डन बोला ना कि एस एम ए का उस समय का टारगेट क्या था, लेकिन मार्केट ऑलरेडी ऊपर आ गया, किसका एसएमए का, तो मार्केट को क्या करना था, ऊपर ही जाना था, और बोला नीचे और वो स्ट्रॉन्ग बना रहा है, जैसे वो नीचे और स्ट्रॉन्ग बनाया मार्केट एक बार दूसरा रेजिस्टेंस को फाड़ दिया, और वहां से जो मार्केट गिरा देख लो, 750 से मार्केट कितना गिर गया, समझो 550, 200 पॉइंट गिरा, लेकिन क्या पुट को 200 रुपया दिया, 147 से 256, चलो 100 रुपीज़ दिया, 200 पॉइंट गिरा और पुट को कितना पैसा दिया, 100 रुपीज़ के करीब 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 पुट को पैसा दिया। तो सही जगह से ट्रेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और यहां एग्जिट करना क्यों बनता ट्रेड, क्योंकि यहां पे देखो मेरा एक प्राइस एक्शन पे वापस से वैल्यू आ चुका है, यहां पे 100 रुपीज़ मिला ट्रेड एग्जिट। तो गाइस बस इसीलिए बोला जाता है अपना सेटअप का वेट करो। आखिर हम लोगों ने एक मिस किया, क्या मिस किया, सुबह का कॉल का ट्रेड मिस किया, कोई बात नहीं है, लेकिन एक ट्रेड ही काफ़ी होता है जो कि हम लोगों ने
11 बजे के करीब अपने पुट साइड में एंट्री बनाया और 100 रुपीज लेके निकल गया। तो ये फोमो अपने अंदर कभी मत लाना कि यार ट्रेड मेरा मिस हो गया, और कहीं भी घुस मत जाना। तो अगर ये वीडियो एनालिसिस आपको अच्छी लगती है, अपने डिसिप्लिन को, अपने माइंडसेट को आपका कंट्रोल करने में मेरे वीडियोस हेल्पफुल है, तो मेरे चैनल TRS 330 फार्मूला को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। थैंक यू।